नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं हाड़ौती के ताजा हाल से। बुजुर्ग दंपति पर हमला कर किया घायल, गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती। महावीरनगर थाना इलाके का है मामला। ट्रक से टकराकर खाई में गिरी कार, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। 12 के लिए किया रेफर। NH-27 पर मुंडियर मामूनी के बीच हुआ हादसा। वही अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत, सवाई माधोपुर जिले के भनराउंडा कला थाना क्षेत्र का है मामला। शहर के महावीर नगर थाना इलाके में एक किरायेदार छात्र ने मकान मालिक दंपति पर हमला कर दिया। हमले में मकान मालिक ओम प्रकाश और उसकी पत्नी सुशीला गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय घर पर मजदूर सफाई कर रहा था। घायल दंपति जिनका MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां दोनों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मोहल्ले के लोगों ने महावीर नगर थाने को दी और दोनों घायल दंपति को लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए MBS अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सूचना मिलने पर महावीर नगर थानाधिकारी सहित ट्रेनी IPS अमृता दुहन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मेल अस्पताल पहुंचकर दोनों घायलों से घटना की जानकारी लेना चाही, लेकिन घटना में घायल ओम प्रकाश और सुशीला दोनों बेहोश होने के कारण घटना का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि घायलों के होश में आने के बाद ही वारदात के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वही घटना स्थल पर विधायक संदीप शर्मा और पार्षद महेश गौतम लल्ली भी मौके पर पहुंचे। इलाके में नामदेव ITI के सामने एक मकान है जिसमें वृद्ध दंपति रहते हैं। वहाँ पे पढ़ने वाले 2 लड़के कल किराए के लिए आए थे। आज उनमें से 2 आए या 1 आया ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मौके पे वृद्ध दंपति दोनों घायल अवस्था में मिले हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, उपचार उनका चल रहा है। वहाँ पे एक सफाई करने वाला और भी लड़का था जिसको वृद्ध दंपति द्वारा ही बुलाया गया था। जो सफाई वाला नौकर है उसने एक को देखा है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वे फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन थे। अगर एक की पहचान हो जाती है तो रेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन लेता है। कितनी उम्र कर भी रही होगी हमलावर की? हमलावर की यंग एज का ही बता रहे हैं, 20 से 25 साल के बीच। मैं सफाई करने के करीबन गया था, भाई साहब मेरे को मिला मकान में, आंटी जी मिली, उसने ऊपर किराएदार रहते थे जी, उनका कमरा बताया कि सफाई कर दे। मैं सफाई कर रहा था वहाँ और मैंने पूछी उस लड़के से, कोचिंग वाले से, कि किधर गए आंटी जी? तो उसने बोला है 10 मिनट के लिए बाहर गए हैं। फिर मैंने पूछा, सफाई कर रहा था, फिर अचानक से उसने मेरे पाइप पर वार किया। बस यही पता मेरे को, एक लड़का था LN वाला, पाइप की दी उसने। मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी दी गई कि अपने वार्ड में नामजद ITI के सामने भट्टी साहब रहते हैं, उनका और पत्नी को कोई किराया जा रहा था, उनने मारापीटी करी। तो तुरंत प्रभाव से मैं मौके पर पहुंचा, सारी जानकारी ली और अभी इस ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि भाई किस विषय को लेकर झगड़ा हुआ। लड़के ने, 2 लड़कों ने उनके पति पत्नी को दोनों के सिर फोड़ दिए। उनका जो नौकर सफाई करने वाला था उसके भी सिर पे चोट करी है। तो इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए हमने डिप्टी से, पुलिस के अधिकारियों से कहा है कि तुरंत प्रभाव से इस घटना के जिम्मेदार हमलावरों को गिरफ्तार करो। कोटा से MP की तरफ जा रही एक कार हाईवे पर खड़े एक ट्रक से टकरा कर खाई में जा गिरी, जिससे 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 12 के लिए रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक राजाराम ने बताया कि कोटा से मध्य प्रदेश की ओर जा रही एक जीप में 5 लोग सवार थे। अचानक संतुलन बिगड़ गया और हाईवे पर ढाबे के पास खड़े ट्रोले से टकरा गई, जिससे नेशनल हाईवे 27 के नीचे जा गिरी, जिसमें 3 की घटनास्थल पर मौके पर मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। सवाई माधोपुर जिले के भनराउंडा कला थाना क्षेत्र के बालेर बाजोली मार्ग स्थित बनास पुलिया के नजदीक कुडाणा मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार बालेर निवासी दिलीप सिंह अपनी पत्नी के साथ किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपनी बाइक से बालेर से बाजोली की तरफ जा रहा था। उस दौरान बनास पुलिया के नजदीक कुडाणा मोड़ पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए। कुछ ग्रामीणों ने
दंपति को घायल अवस्था में लावारिस हालत में सड़क पर पड़ा देखा और पुलिस कंट्रोल को सूचना दी, जिसे एम्बुलेंस SO8 की मदद से खंडार अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच चिकित्सकों ने जांच के बाद पति को मृत घोषित कर दिया, साथ ही प्राथमिक उपचार के बाद मृतक की पत्नी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक बालेर निवासी दिलीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों द्वारा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस अज्ञात वाहन के तलाश में जुटी हुई है। सूचना दी, कंट्रोल रूम से भी टेलीफोन आया रामराज हेड कांस्टेबल के पास में। उन्होंने मेरे को बताई कि ऐसे बनासपुड़िया के आसपास कोई एक्सीडेंट हो गया। वहाँ जा मैं मौके पर पहुँचा, मौके पर जाके देखा तो एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, एक लेडीज और एक जेंट्स, इनको मैंने वहाँ से 108 बुला कर 108 में तुरंत अस्पताल लाए। या डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया, दिलीप सिंह को, वो क्या नाम उसको भंवर भाई को, यहाँ से फर्स्ट एड के बाद में जयपुर रेफर कर दिया। संभाग के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोटा एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। पहला मामला बुढ़ादित थाना क्षेत्र के पाली का है, जहां पर सुल्तानपुर निवासी बद्रीलाल पाली के पास बाइक फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में सुल्तानपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ से कोटा के लिए एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला अंता थाना क्षेत्र का है, जहाँ NTPC के पास सड़क पर आवारा मवेशी आने से असंतुलित होकर बाइक सवार गिर गया, जिसके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अंता चिकित्सालय से कोटा एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके में कोचिंग कर रहे छात्र ने पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का पता दोपहर बाद लगा, जब छात्र मुकेश मीणा के मित्र उससे मिलने कमरे पर आए थे। उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन मुकेश ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खटखटाने एवं आवाज लगाने के शोर को सुनकर मकान मालिक नीचे आए तो मुकेश के मित्र ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है एवं कोई आवाज बाहर नहीं आ रही। इस पर दरवाजा तोड़कर देखा तो मुकेश पंखे से फंदा लगा लटका मिला। सूचना पर दादाबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पंखे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए MBS की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मुकेश के परिजन को सूचना दी तो उसके चाचा मौके पर पहुंचे और उन्होंने आत्महत्या का कोई कारण होने से इनकार किया। दादाबाड़ी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि एक बच्चा है जो गेट नहीं खोल रहा, सूचना पे आए थे। यहाँ पे तो गेट लगे हुए थे, जो गेट है अंदर से कुंडियाँ लगी हुई थी, बात देखिए उसको तोड़ा। परिवारजन वो भी मकान वाले साथ थे, यहाँ देखा तो अंदर मुकेश वो बंदा है ना, उसके पास ही लड़का होता, मुकेश नाम लड़का है। पूर्व गंगापुर सिटी विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आज भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल छाण मामले में पुलिस अधीक्षक से मिला और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। गौरतलब है कि गत दिनों सवाई माधोपुर जिले के छाण कस्बे में नमाज के वक्त ट्रैक्टर में DJ बजाने की बात को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए थे और आपसी मारपीट में गुर्जर समाज के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद कस्बे में तनाव पैदा हो गया था, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तब जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ। वहीं 3 दिन बाद आज भी कस्बे में दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, जिसे लेकर आज भी कस्बे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है। 8 तारीख को छाण गांव के अंदर जिस प्रकार से 8 और 9 को समुदाय विशेष के लोगों ने सवाई माधोपुर से अपनी फसल बेच के जा रहे लोगों के साथ में, और जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद वहां पर हाईवे पे मचा रखा है, जिस प्रकार से 9 तारीख को समझाने वाले लोगों के साथ में मारपीट की प्रशासन की मौजूदगी के अंदर, जिस प्रकार से उनके मुलजिमों के हौसले बुलंद हैं, हमारे हिंदू पक्ष के लोग मतलब भर्ती है उनके इंजर्ड हुए हैं, इस बात को हमने SP साहब से स्पष्ट रूप से कहा है कि 2 दिन के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सही तरीके से इस प्रकार से दादागिरी का राज नहीं चलेगा। कौन यहाँ पे डैक बजाएगा, कौन नहीं बजाएगा, ये तय करने वाले वो नहीं है। अलवर में थाना गाजी में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बोली कस्बे में तहसीलदार निवास के समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार महेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा। महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रेम देवी मीणा के नेतृत्व दिए गए ज्ञापन में भाजपाइयों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। ये साहब जो गैंगरेप हुआ है अलवर में थाना गाजी, तो ये 26 तारीख का मामला था, तो चुनाव की वजह से इसको छिपाए रखा था कि
कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन जब तक जो बुराइयां होती है वो छिपती नहीं है, वो उखड़ती है। अलवर थाना गाजी में हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ितों को इंसाफ और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कोटा शहर में भीम सेना की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली निकालकर भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने संदेश दिया कि अलवर से दुष्कर्म कांड में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को पकड़ा जाए और कानून व्यवस्था सही की जाए ताकि इस तरह का अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। ये बहुत गंभीर घटना है, दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं दोबारा से नहीं हो, इसके लिए सरकार कठोर कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दे और उनके सब फांसी की सजा उपलब्ध कराई जाए। आज ये जो रैली का आयोजन है सर्व समाज की ओर से किया गया है और इसमें अलवर में जो थाना गाजी में दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति कोटा पुरजोर विरोध करती है। आरकेपुरम थाने में एक समाज सेवी महिला में एक युवक के विरुद्ध फोन पर धमकाने का मामला दर्ज कराया है, जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने फोन पर उसे मारने की धमकी दी है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, फोन की लोकेशन के बारे में जांच की जा रही है। स्वर्ण रजत मार्केट उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश सोनी पर कारीगरों से मारपीट करने का आरोप लगा है। इन कारीगरों ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही विरोध में कारीगरों ने काम बंद कर दिया। कारीगरों का आरोप है कि अध्यक्ष आए दिन उनसे बदतमीजी करते हैं और दुकानें बंद होने के एक घंटे बाद छोड़ते हैं। शुक्रवार को भी एक कारीगर के साथ सोनी ने बदतमीजी करते हुए चाटा जड़ दिया। सोने चांदी का काम करने वाले अधिकतर कारीगर बंगाल से हैं। हम काम करते रहते हैं, जो रात को जाते हैं, जो एक घंटे लेट हो जाते हैं, जो अध्यक्ष साहब जाने नहीं देते, ये एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठा रहता है, फिर आता है, फिर छोड़ता है। कल तो हमारा एक मजदूर आदमी जा रहा था 11:35 पे, तो एक घंटा रुका, फिर अध्यक्ष साहब आया, आके उनको चाटा मारा। कल 12:30 बजे क्या है ना, मैंने आपस में विवाद है दुकान बंद करने का, रात को मार्केट बंद करने का, लेकिन जो अध्यक्ष जो महोदय वो कहते हैं भाई रात को 11:30 बजे से मार्केट बंद हो जाना चाहिए। कारीगर लोगों को कराए हुए 5-7 मिनट हम लेट हो जाते हैं तो हमें निकलने में दिक्कत आती है। इस मामले को लेकर इनके विवाद सुलझाने के लिए कल 12:30 बजे दिन में मीटिंग का आयोजन रखा। मार्केट उत्थान समिति का जो अध्यक्ष रमेश कुमार सोनी है वो हमारा बंगाली समाज मैन्युफैक्चरिंग वालों के साथ बदसलूकी करते हैं, गंदा गंदा गाली गलौज करते रहते हैं, हाथापाई करते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक बंगाली को केतनीपोल थाना में रिपोर्ट लिखा करके उसको बंद कराया थे, 101 की धारा में हमने उसको जमानत निकालते लाए थे। फिर उसी व्यक्ति के खिलाफ रामपुरा थाने में भी रिपोर्ट लिखा के रखा था, वहाँ पे भी उसको परेशान किया जा रहा था। उसके बाद फिर हमने एसपी से मिले, एसपी ने बोला ऐसा गलत मतलब झूठा रिपोर्ट लिखा करके उसको मारा पीटा था, किया ही नहीं। शहर के महाराव भीम सिंह अस्पताल में अप्रैल माह में दुर्घटना में घायल सुनील अग्रवाल की चिकित्सकों की लापरवाही के चलते मौत के मामले में हाड़ौती विकास मोर्चा ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया। साथ ही चेतावनी दी है कि लीपापोती के जांच में कांग्रेस की सरकार को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। अगर डॉक्टरों को बचाया जाता है तो प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और दोषी डॉक्टरों को सरकार के स्तर पर कार्रवाई करवाएंगे। ये कार्यकर्ता कलेक्टर चौराहे पर एकत्रित हुए, यहाँ से नारेबाजी करते हुए एमबी अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात था। पुलिस ने आरोपी विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जबरन धक्का मुक्की करते हुए प्राचार्य कक्ष में प्रवेश कर गए। वहाँ पर प्राचार्य का घेराव किया। इस दौरान मृतक सुनील अग्रवाल की पत्नी प्रीति व बच्चे सहित उनके अन्य परिजन भी मौजूद थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आचार संहिता खत्म होने के बाद चिकित्सकों पर कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राचार्य ने अगर कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरीश वर्मा ने प्रदर्शनकारी और मृतक सुनील के परिजनों की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं तो किराए की झोपड़ियों में रहता हूँ और रोड पे ठेला लगाता हूँ बाबू जी। मेरा भाई कहता है कि भैया सब कुछ करूंगा, जो भैया मेरा काम नहीं छोड़ा भैया, मैं भैया ले गए मकान का, हम मकान में दुकान गरीब है, वो भी सब्जी का ठेला लगाते थे, सब्जी का लगाते थे, मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगा, छोटे छोटे बच्चे अभी हमारी भी कोई उम्र नहीं है। उन्होंने उसका इलाज प्रारंभ किया और थोड़ा बहुत इलाज करके उसको बिना एडमिट किए यहाँ से रवाना कर दिया, इतने में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रिंसिपल साहब ने मृत्यु के कारणों के लिए क्या कारण रहे उसके लिए कमिटी बनाई,
उस कमेटी ने कल अपनी एक रिपोर्ट दे दी। उस कमेटी ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो चारों डॉक्टर उस टाइम मौजूद थे वो दोषी हैं। तो जो है मैं पुनः जो इंक्वायरी कमेटी से पूछना चाहूंगा और उच्च अधिकारियों से बात करके जो भी चीज स्पष्ट आती है, जैसे मैंने उनको कारण बताओ नोटिस दिया है, तो जो भी चीज स्पष्ट आएगी उस स्पष्ट जो भी जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे। चलावाड़ से 15 किलोमीटर दूर भिलवाड़ी गांव में पागल कुत्ते के कुएं में गिर जाने से उसकी मौत हो गई और 3 से 4 दिन बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, जब तक 500 लोग इस कुएं का पानी पी चुके थे। भिलवाड़ी गांव में पीने के पानी की समस्या है और सारे ग्रामीण कुएं से गर्मी में पानी पीने को मजबूर है। इस कुएं में लगभग 80 घर के लोग पानी पीते हैं। पानी पीने वालों की संख्या 500 से अधिक है। सभी ने यह दूषित पानी पिया है जिससे ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी दर्द शुरू हो गया और एक दर्जन से भी ज्यादा लोगों की तबियत खराब हो गई। तबियत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया। ऐसे में जिला कलेक्टर के दौरे के दौरान यह घटना सामने आई तो तुरंत ही गांव में बने कुएं से जानवर को बाहर निकलवाया और लोगों को कुएं का पानी न पीने की सलाह दी। जलवार से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घर घर जाकर लोगों का इलाज कर रही है। यहाँ कहीं है कि एक कुआं में पागल कुत्ते गिर गए, तो वो गए 4-5 दिन तक उसमें ही कुएं में, और उसके बाद ये भी 400-500 आदमी ने उसका पानी पिया। हमारे घर से दूध गया और उनको कोई को तो दस्त लगी, कोई को पेट में गड़बड़ हुई, कोई को बुखार। यहाँ पे कुत्ता मर गया था कुएं के अंदर, उसका पानी लोगों ने पी लिया, तो उसके लिए लोगों को वहम है कि हमारे रेबीज हो सकता है, तो उसी वहम को दूर करने के लिए हम आए। कितने लोगों की टीम लगी थी सर? टीम में मैं और मेरे साथ डॉक्टर मनीष हैं, पीएसएम डिपार्टमेंट से डॉक्टर मनीष जैन पाटन। गुमानपुरा से कोटरी रोड के बीच माणक भवन के पास एक नाला खुला पड़ा है जिसमें कई बार दो पहिया चार पहिया वाहन रात को गड्ढे में फंस जाते हैं जिसे लोगों की मदद से बाहर निकालते हैं। वहां के व्यापारियों का कहना है कई दिनों से नाला खुला पड़ा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमने व्यापार संघ अध्यक्ष को बोल दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटरी रोड गुमानपुरा बैंक उसके सामने इतना बड़ा खड्डा है, रोज चाय पीने आता कोई भी गिर जावे या कर सवरे एक जना गिर गया उसकी गाड़ी जाने कैसे निकाली। कितने दिन से हो रहा है? 8-15 दिन हो गए। शिकायत कर दी आपने? शिकायत कर दी, हमारे अध्यक्ष साहब को शिकायत करी, अध्यक्ष साहब करवा रहे हैं। झलावाड़ के गागरोन के जल दुर्ग अब आप 5 रुपए के टिकट पर देख सकते हैं। जी हाँ, झलावाड़ का गागरोन का जल दुर्ग पर टिकट जारी हो गया है जो अब झलावाड़ डाकघरों में आसानी से मिल सकता है। यह डाक टिकट 2 माह पहले जारी हो गया था लेकिन झलावाड़ डाकघर में अभी आया है। डाक टिकट में 2 नदियों के संगम स्थल और गागरोन दुर्ग के विहंगम दृश्य को दिखाया गया है। झलावाड़ का गागरोन का किला अब डाक टिकट के जरिए अब देश के कोने कोने व विदेशों में भी पहुँच पाएगा। झलावाड़ में जल दुर्ग जो विशुद्ध हो गागरोन है, इस पर भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से एक डाक टिकट जारी किया है और ये डाक टिकट जारी होने पर झलावाड़ की जनता में बेहद खुशी है और इस जल दुर्ग पर जो टिकट जारी किया गया है इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारी पर्यटन विकास समिति ने गागरोन किले के मुख्य दरवाजे पर जो गणेश पोल किला था वहाँ पर इसका विमोचन करते हुए, क्योंकि पहली बार झलावाड़ में गागरोन का टिकट आया था, इसका विमोचन करते हुए जनता में वितरित किया गया। कई लोगों को हमने ये टिकट बताया और लोगों में हर्ष व्याप्त था। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार कस्बे में आज भगवान परशुराम जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम की जीवंत झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा गीता भवन से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजार से होती हुई वापस गीता भवन पहुंचकर संपन्न हुई। तो ये थी अब तक की विशेष खबरें। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होंगे खास हलचलों से। बुजुर्ग दंपति पर हमला कर किया घायल, गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती, महावीरनगर थाना इलाके का है मामला। ट्रक से टकराकर खाई में गिरी कार, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, 12 के लिए किया रेफर। NH-27 पर मुंडियर मामूनी के बीच हुआ हादसा। वही अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत, सवाईमाधोपुर जिले के बहराउंडा कला थाना क्षेत्र का है मामला।
तो अब दीजिए नशा को इजाजत। एस10 टुडे टीम की ओर से नमस्कार।